केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरातना मेहमान बन्या। आवामां तेमणे गुजरातना सौथी पहेला सीमा दर्शन पॉइंटनुं उद्घाटन कर्युं। राज्यना टूरिज्म डिपार्टमेंटने बीएसएफ अने आरएनबीनी मददथी 125 करोड़ना खर्चे विशाळ प्रवासन स्थळ उभुं करवामां आव्युं। भारत अने पाकिस्तानी बॉर्डर पर स्थळ विकासवामां आव्युं, जेथी हवे अहीं वाघा अने अटारी बॉर्डरनी जेम सरहद पर तैनात बीएसएफ जवानना शौर्यने निहाळी शकाशे। आजे आ नवा बेड सीमा दर्शन पॉइंटनुं उद्घाटन करवा त्यारे अहीं मोटी संख्यामां लोको पण उपस्थित रह्या हता। आ पॉइंट पर प्रवासीओने आकर्षित करवा माटे विविध मुद्दाओने ध्यानमां राखवामां आव्युं हतुं। आ पॉइंटने उभो करवा माटे पाछला 4 वर्षथी कामगीरी चाली रही हती। ज्यारे वडाप्रधान मोदी गुजरातना मुख्यमंत्री हता, तेमणे नणाबेटनुं सपनुं जोयुं हतुं। राज्यना बनासकांठाना सुई गाममां पाकिस्तान साथे जोडायेली गुजरातनी बॉर्डर पर जवानोना रुवाटा उभा करी दे तेवा जुस्सा जाहेर जनताने निहाळवानो मौको मळशे अने बॉर्डरनी नजीक जवानी पण एक अनुभूति करवा मळशे। गृहमंत्री अमित शाह नणाबेट सीमा दर्शन पॉइंट माटे पहोंच्या ते पहेला तेओए नंदेश्वरी माताना दर्शने पहोंच्या हता अने तेमनी साथे राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण उपस्थित रह्या हता। नंदेश्वरना माताना दर्शन कर्या बाद गृहमंत्री अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल नणाबेट सीमा दर्शन पॉइंटना उद्घाटन माटे पहोंच्या हता। आ स्थळ पर रोज सांजे बीएसएफ द्वारा परेड करवामां आवशे, ज्यां जवानोना शौर्यने प्रवासीओ माणी शकशे। बॉर्डर पर बीएसएफना कई रीते कामगीरी करे छे अने प्रवासीओ अहीं आवीने जाणी शकशे अहीं म्यूजियम सहितनी प्रवासीओने आकर्षवा माटेनी केटलीक बाबतोनुं ध्यान राखवामां आव्युं छे। अहीं प्रवासीओने जमवानुं मळी रहेशे ते सहितनी व्यवस्थाओनो पण ध्यानमां राखवामां आवी छे। आ पॉइंटने चलाववा माटे एक एजन्सी अने जवाबदारी पण सोंपवामां आवी छे। आदर्श बेटे की भूमिका, आदर्श पति की भूमिका, आदर्श राजा की भूमिका, आदर्श सेनापति की भूमिका, सभी भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, इसका एक शब्द बोले बगैर अपने जीवन कवन के द्वारा सालों सालों तक, युगों युगों तक वो प्रेरणा ले इस प्रकार का जीवन जीकर रहे, इसीलिए आज हमारे आराध्य है। हम सब उनको भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं और उनके जीवन के बताए हुए दर्शन पर चलने का प्रयास करते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी के माता नणेश्वरी के मेले में भी आज मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। 7 अगस्त में इस मेले के बारे में मैं नहीं जानता था। 2 दिन पहले शंकर भाई का फोन आया कि यहाँ मेला भी लगता है। मैंने कहा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो आज माँ नणेश्वरी के भी आशीर्वाद लेने का मेरे जीवन में मुझे सौभाग्य मिला। मित्रों, सबसे पहले भारत की कठिन से कठिन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के हमारे जवान, जो -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर वाली सीमाओं पर जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा लेते हैं, और कई बीएसएफ के जवानों ने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को याद कर पूरे देश की ओर से आज इस शुभ प्रसंग पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं बीएसएफ के जवानों को कहना चाहता हूँ कि सीमाओं के अंदर देश सुरक्षित है, देश विकास कर रहा है, देश पूरे दुनिया के मंच पर सर्वोच्च स्थान की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये सभी इसलिए हो रहा है कि आप आपके घर से दूर हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर खड़े होकर एक तपते हुए रेगिस्तान में अहर्निश मां भारती की सुरक्षा में लगे। और मैं आज पूरे देश की जनता की ओर से जीवन पर्यंत कर्तव्य के नारे को चरितार्थ करने वाले बीएसएफ के छोटे से छोटे जवान से लेकर बीएसएफ के डीजी, ये सभी हमारे जवानों का संबल बढ़ाने के लिए पूरे देश की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और आपकी जीता को सह
सुरक्षा पहुंचाई। बीएसएफ ने वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं। एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र,